जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, आज फिर हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर के नवरात्रे यानी चौथा नवरात्रे का उपाय। ये क्या उपाय होना चाहिए जिससे बहुत अधिक लाभ हो। मैं आपको इतना बता दूँ कि माता की वाइब्रेशन, माता की शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए मैं प्रतिदिन प्रत्येक नवरात्रे का एक उपाय बता रहा हूँ जो आपने करना है। दिवाली से पहले भी हम 11 दिन का उपाय करेंगे, यानी दीपावली से ठीक 11 दिन पहले हम उपाय शुरू करेंगे प्रतिदिन का। वह उपाय आपको लक्ष्मी माँ की असीम शक्तियों से भर देगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है तो दीपावली से पहले पहले अपनी कुंडली दिखाइए ताकि मैं आपको बता सकूं कि दीपावली को आपने कौन सा उपाय करना है। वो आपकी कुंडली देखकर ही होगा। कुंडली देखने की फ़ीस होती है, वो आप व्हाट्सएप पर सब समझ सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे जवाब मिल जाएगा, फ़ोन मत करें। तो अभी हम बात करने वाले हैं नवरात्रे की, यानी नवरात्रों में हम जो चौथा नवरात्रा है उसमें क्या हम उपाय करें जिससे माँ की शक्तियाँ हमें मिलें। तो आपने दो छोटी इलायची, दो लौंग माँ के श्री चरणों में रख देने हैं। दो छोटी इलायची, दो लौंग माँ के श्री चरणों में रखने हैं, यानी माँ की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष चरणों में दो लौंग, दो छोटी इलायची रख दीजिए और फिर वो पूरा दिन वहीं पड़ा रहे। फिर आपने अगले दिन सुबह किसी भी समय वो उठा लेने हैं और अपने परिवार का जो खाना बनाते हैं या दूध आप उबालते हैं उसमें डाल दीजिए। इससे पूरे परिवार को इसका एक शुभ फल मिलेगा, पूरे परिवार को ये भोग बनकर मिलेगा। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो चबाकर भी आप खा सकते हैं। ये विशेष शक्तिशाली उपाय है जो आपको विशेष शक्ति देगा, विशेष लाभ देगा। ये करने से परिवार में सुख शांति आएगी, ये करने से रोग मुक्ति होगी, धन तेजी से आएगा, कर्ज मुक्ति होगी। परंतु जरूरी ये बनता है कि आप अधिक से अधिक लोगों को भी ये उपाय करवाएं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग करें। जितने लोग करेंगे आपके शेयर करने पर उतना ही लाभ आपको अधिक मिलेगा। Oh.